कल का जो थीम है इसमें व्यवसायी वर्ग के लोगों को सम्मान देना है, क्योंकि हमारी जनशक्ति यात्रा जो चल रहा है, पहले चरण में हम लोगों ने किसान मजदूर को सम्मान दिया, दूसरे चरण में हम लोग माता महिलाओं को सम्मान दिया, और तीसरे चरण जो कि कल गया में होना है उसमें व्यवसायी वर्ग के, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी, उनका हर वर्ग के लोगों पे जो है बराबर ध्यान रहता है और हर वर्ग के लोगों पे जो है काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे लाइव बिहार, मैं हूँ आपके साथ एटी सिंह। देखिए, तेज प्रताप यादव इन दिनों लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था किस तरीके से मांझी परिवार के घर पहुंच गए थे और बिहटा में उन्होंने खाना भी खाया था, जो गरीब परिवार है उन्हें सम्मानित किया था। आज हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत प्रताप है, लगातार सुर्खियों में रहते हैं, छात्र जनशक्ति परिषद, आपने बताया यात्रा निकालने वाले हैं, अब आप गया पहुंचने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, छात्र जनशक्ति परिषद जनशक्ति परिषद होगा। दूसरी चीज है कि ये जनशक्ति यात्रा का तीसरा चरण जो कि कल गया में होना है, कल बुद्ध की जयंती है, महात्मा बुद्ध और गौतम बुद्ध भी उन्हें कहा जाता है, गया को ज्ञान की धरती भी कहते हैं, गौतम बुद्ध की भी धरती कहते हैं, तो ये मतलब महापुरुष रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो उनके जयंती के अवसर पे कल हम लोग गया जनशक्ति यात्रा को ले जाएंगे। और कल का जो थीम है इसमें व्यवसायी वर्ग के लोगों को सम्मान देना है, क्योंकि हमारी जनशक्ति यात्रा जो चल रहा है, पहले चरण में हम लोगों ने किसान मजदूर को सम्मान दिया, दूसरे चरण में हम लोग माता महिलाओं को सम्मान दिया, और तीसरे चरण जो कि कल गया में होना है उसमें व्यवसायी वर्ग के, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी, उनका हर वर्ग के लोगों पे जो है बराबर ध्यान रहता है और हर वर्ग के लोगों पे जो है काम करते हैं, तो उसी के अंतर्गत जो है कि हम लोग अलग अलग चरण में अलग अलग जो है कि वर्ग पे जो है फोकस। एक तरफ आप उद्यमी को सम्मान देने की बात कर रहे हैं, वहीं बिहार में अभी जो उद्यमी है व्यवसायी है वो खासतौर से परेशान चल रहे हैं। कारण ये है कि लगातार आपराधिक वारदात जो है वो हो रही है, व्यवसायिक जो सोने की दुकानें है उसे लूट ली जाती है, तो ऐसे में उनको सम्मान देने के साथ क्या सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे आप? बिल्कुल, सुरक्षा के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं और हम लोग तो हर पहलू पे काम कर रहे हैं। उद्यमी हो या गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र युवा नौजवान हो, महिलाएं हो, तो सबके सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई के लिए, तो बात हमेशा से करते हैं और काम भी कर रहे हैं, पहल भी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव लगातार इस तरह की यात्रा की शुरुआत करते हैं, कई बार क्या होता है ना कि कोरोना की बात हो जाए या फिर अलग तरह की जो बातें होती है, किसी न किसी कारण बस यात्राएं आधे रास्ते में रह जाती है, तो क्या ये यात्राएं पूरे बिहार को चलेगी या फिर ये कहीं जाके अटकने वाली है, रुकने वाली है? इसमें दो चीज है, समझ आपने कोरोना का कहा कि कोरोना के कारण, तो प्राकृतिक आपदाएं क्या कल होंगी ये कोई नहीं जानता है। मान लीजिए हम लोग बैठे हुए दोनों आदमी आज बात कर रहे हैं, कल हम लोगों में से भगवान ना करे कोई एक न रहे धरती पर, तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन संकल्पित है हम लोग जनशक्ति यात्रा को पूरे बिहार में चलाने के लिए और लगातार चल रहा है। आप जिस मिथ्या की बात कर रहे हैं वो महज एक मिथ्या ही है और उस मिथ्या को हम लोग कटाक्ष करते हैं। तीसरे चरण की ओर जनशक्ति यात्रा बढ़ रही है और तीसरा चरण भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में ही होगा। क्या लगता है इन यात्राओं से कितना बिहार बदल पाएगा, कितने लोगों से जुड़ पाएंगे आप? बदल रहा है, लोग संवाद कर रहे हैं लगातार अलग अलग वर्ग के लोगों को, समस्या जान रहे हैं और उस पर समाधान की भी पहुंच कर रहे हैं। तो देखिए, तेज प्रताप यादव के सिपाही हैं और मजबूत सिपाही माने जाते हैं प्रशांत प्रताप, इन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि कल गया में ज्ञान भूमि से जो है एक नई शुरुआत करने वाले हैं और खासतौर से उद्यमी जो बिहार के मूल रूप से हैं उनसे मिलेंगे, गया में पहुंचेंगे तेज प्रताप यादव और उनसे मिलते बात करते नजर आएंगे। अब देखना होगा जब गया पहुंचते हैं तो क्या कुछ उद्यमी से बात होती है और इन खबरों को भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए लाइव बिहार, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।